देश में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर, कोरोना से अब तक 7 लोगों की मौत। देश में कोरोना ने 391 लोग प्रभावित हैं, कल कुल 23 राज्यों में कोरोना ने पैर पसारे। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, कुल 74 लोग कोरोना पॉजिटिव, 2 लोगों की मौत। केरल में कोरोना पीड़ितों की बढ़ी है संख्या, अब तक 67 लोग कोरोना पॉजिटिव। यूपी में कोरोना पीड़ितों की बड़ी संख्या, 29 लोग कोरोना से प्रभावित, नोएडा में 8 लोग कोरोना पीड़ित। कोरोना की वजह से देश के 22 राज्यों के 75 जिलों को लॉकडाउन किया गया। सीएम योगी ने यूपी में 16 जिलों में आज से 25 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद में लॉकडाउन लागू। यूपी के सहारनपुर, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, गोरखपुर, अलीगढ़, पीलीभीत में आज से 25 मार्च तक लॉकडाउन। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम जिले में भी लॉकडाउन। पंजाब में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन, धारा 144 लागू। राजस्थान में 28 लोगों में पाया गया कोरोना वायरस। दिल्ली में 27 लोग कोरोना पीड़ित, एक महिला की हो चुकी है मौत, 31 मार्च तक दिल्ली में लॉकडाउन। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी, दिल्ली के 27 कोरोना पीड़ितों में 21 मरीज विदेश से आए हैं। दिल्ली में आज से 31 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद, घरेलू उड़ानों पर पाबंदी नहीं। दिल्ली में आज से सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरत की दुकानें खुली रहेंगी। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच खुली रहेंगी मेडिकल, सब्जी, राशन की दुकान और दूध की दुकान भी, अस्पताल और बिजली के दफ्तर भी खुले रहेंगे। दिल्ली में रेस्टोरेंट से होगी सिर्फ होम डिलीवरी, 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी, आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई। लॉकडाउन के बीच दिल्ली में आज जारी रहेगा विधानसभा का सत्र। दिल्ली में 1 मार्च के बाद विदेश से लौटे सभी लोगों को 14 दिन की निगरानी में रखा जाएगा, दिल्ली सरकार ने जिलाधिकारियों को दिए हैं निर्देश। दिल्ली में विदेश से लौटे अब तक 35,000 लोगों की हुई है पहचान, होगी इनकी निगरानी। राजस्थान में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन, बॉर्डर सील। बिहार में अब तक 3 लोग कोरोना पीड़ित, एक युवक और उसकी मां कोरोना पीड़ित पाए गए। कल के जनता कर्फ्यू पर पीएम ने देशवासियों को धन्यवाद दिया, इसे लंबी लड़ाई की शुरुआत बताया, ट्वीट में लिखा, इसे सफलता न माने। कोरोना वायरस के खतरे के बीच सुप्रीम कोर्ट अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों का निपटारा करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ही होगी वकीलों की जिरह। मुंबई में फिलहाल अखबारों का प्रिंट एडिशन नहीं निकालने का फैसला, ई पेपर और अखबारों का ऑनलाइन एडिशन उपलब्ध रहेगा। कोरोना के कहर के बीच बजट सत्र होगा छोटा, सूत्रों के मुताबिक दोनों ही सदनों में वित्त विधेयक के पारित होते ही खत्म कर दिया जाएगा बजट सत्र। पहले 3 अप्रैल को खत्म होना था बजट सत्र, सूत्रों के मुताबिक अब 31 मार्च से पहले बजट पेश कर इसे किया जा सकता है समाप्त। टीएमसी सांसदों ने इसी बीच कोरोना के खतरे को देखते हुए संसद सत्र टालने की मांग की है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को लिखा पत्र। टीएमसी सांसद आज से संसद सत्र में नहीं लेंगे हिस्सा, सीएम ममता बनर्जी ने सभी टीएमसी सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोरोना पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। लॉकडाउन के बीच दिल्ली में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर को देखते हुए धारा 144 लागू, मुंबई में शाहीन बाग की तर्ज पर सीएए के खिलाफ जारी धरना खत्म हुआ, पुलिस के समझाने पर माने 55 दिनों से धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी। यूपी के मेरठ में कोरोना वायरस की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई लैब। झारखंड में कोरोना के खतरे को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने देर रात तक बैठक की, रांची में धारा 144 लागू, किसी मुसीबत में 181 या फिर 104 नंबर डायल कर ली जा सकेगी सुरक्षा। नालंदा मेडिकल कॉलेज 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, एम्स में कोरोना से एक शख्स की गई थी जान। जलंधर में कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग, विदेश से लौटने वालों के घर लगाए गए स्टिकर, हाथों पर भी लगेगी पहचान वाली मोहर। पीएम मोदी की अपील को वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी निभाया, कोरोना के खतरे के बीच आपात सेवा देने वालों की घंटी बजाकर अभिवादन किया। जनता कर्फ्यू के दौरान ताली बजाते हुए नजर आए नेता और अभिनेता चिरंजीवी, देश में कोरोना के संकट के बीच इमरजेंसी सेवा देने वालों को धन्यवाद दिया। मंदसौर में जनता कर्फ्यू के दौरान घूमने वालों पर पुलिस ने की अनोखी कार्रवाई, हाथ में थमाया पैम्फलेट, लिखा था मैं समाज का दुश्मन हूं, घर पर नहीं रहूंगा। मंदसौर पुलिस ने जनता कर्फ्यू में घूमने वालों की इस तस्वीर को बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी किया, एसपी ने कहा इसे सोशल एक्सपेरिमेंट। जनता कर्फ्यू के दौरान बच्चों ने भी बड़ों का सहयोग किया, परिजनों के साथ थाली बजाकर आपात सेवा दे रहे लोगों को जताया आभार।
विशाखापट्टनम सेंट्रल जेल में 1400 कैदियों ने डॉक्टर्स के प्रति ताली बजाकर प्रकट किया आभार। कोरोना के खिलाफ जंग का मेडिकल स्टाफ को माना सच्चा सिपाही। ईरान से लाए गए 486 भारतीयों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के आइसोलेशन वार्ड में थाली और ताली बजाते नजर आए सभी। जैसलमेर में कोरोना के खिलाफ जंग का बजा नगाड़ा। लोगों ने बीमार की सेहत दुरुस्त करने वाले डॉक्टरों के साथ कानून की सेहत सही रखने वाले पुलिस वालों का भी आभार जताया। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मुंबई में अपने घर पर बर्तन बजाते हुए नजर आई। बेटी ईशा देओल ने घंटी बजाकर किया मां का साथ दिया। कोरोना से जंग में हेमा ने की अपील, फिलहाल घर पर ही रहकर लोग सहयोग करें। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों ने भी ताली बजाकर आपात सेवाएं देने वालों के लिए आभार जताया। कोरोना के खिलाफ जनता कर्फ्यू के फौरन बाद दिल्ली के प्रीत विहार में देखा अलग ही रंग। शराब की दुकान के बाहर लगी लंबी कतार। यूपी पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के साथ बूढ़े बच्चे और महिलाओं ने शंख ढोल बजाकर आपात सेवा देने वालों का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी आपात सेवा देने वालों के प्रति प्रकट की कृतज्ञता। साथ में शंख लिए दिखी मासूम। कोलकाता में भी लोगों ने थाली और ताली बजाकर इमरजेंसी सेवा देने वालों को धन्यवाद दिया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के लिए लोगों ने बजाई तालियां, प्रकट किया आभार। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने भी आपात सेवाएं देने वालों की घंटी बजाकर किया उनका अभिवादन। कानपुर में कनिका कपूर के मामा समेत परिजनों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। डीएम ब्रह्मदेव तिवारी और एसपी के साथ आपात सेवा देने वालों की ताली बजाते हुए नजर आए। 13 मार्च को कल्पना टावर में आई थी कनिका। डॉक्टर अमिता जैन ने कनिका कपूर की रिपोर्ट नेगेटिव होने का खंडन किया, कहा रिपोर्ट पॉजिटिव ही है। नॉर्थ ईस्ट में सैनिकों ने कोरोना के खिलाफ छिड़ी सुरों की जंग, गाना हुआ वायरल। पुरेज में स्नो लेपर्ड ब्रिगेड ने भी ताली बजाकर आपात सेवा देने वालों का जताया आभार। मुंबई में अपने आवास पर घंटी बजाते हुए नजर आए उद्योगपति मुकेश अंबानी। कोरोना के कहर में सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा देने वालों का जताया आभार। पुंछ में जवानों ने भी आपात सेवा देने वालों को ताली बजाकर आभार प्रकट किया। वाराणसी में गली मोहल्ले में लोगों ने घंटी और शंख बजाकर आपात सेवा देने वालों का जताया आभार। पुष्कर में 3 पीढ़ियों के साथ संभाली कोरोना के खिलाफ सुरों वाली कमान, संगीत के जरिए दिया जागरूकता संदेश। कोरोना के कहर के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पसरा सन्नाटा, 31 मार्च तक रोक दी गई है ट्रेन सेवा। सुकमा में सुरक्षा बलों पर फिर से टूटा नक्सलियों का कहर, 17 जवान शहीद हुए। 8 किलोमीटर पैदल चलकर साथी जवान कंधे पर लाए शहीदों का पार्थिव शरीर। सुकमा के नक्सली हमले में जवान शहीदों में डीआरजी के 12 और एसटीएफ के 5 जवान शामिल। 16 जवान हमले में घायल हुए, इनमें से 2 की हालत गंभीर। नक्सलियों ने जवानों की 14 AK-47 राइफल भी लूटी। 5 घंटे तक चली यह मुठभेड़। कुल्लू में 2 मंजिला मकान में लगी आग, 10 लाख की संपत्ति जलकर खाक हुई। दिल्ली के कृष्णनगर में रंगदारी नहीं देने पर बेकरी शॉप में बदमाशों ने की तोड़फोड़ और फायरिंग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर, अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया में 3 लाख से भी ज्यादा लोग अब तक कोरोना से हो चुके हैं संक्रमित। इटली में कोरोना का भीषण कहर, करीब 5,500 लोगों की कोरोना की वजह से जा चुकी है जान। इटली में करीब 50,000 लोग कोरोना से प्रभावित हैं, कम रहे मेडिकल सेवाओं के इंतजाम। फ्रांस में कोरोना से अब तक 674 लोगों की मौत, 16,000 से ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित। जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल भी क्वारंटीन में गई, कोरोना संक्रमित डॉक्टर के संपर्क में आई थी। 2 अमेरिकी सांसद कोरोना से पीड़ित, रिपब्लिकन पार्टी के मारियो डियाज और बेन मैफ एडम्स कोरोना से संक्रमित हैं। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना भयंकर कहर झेलने वाले चीन के शहर वुहान के डॉक्टर्स ने इटली जर्मनी समेत कई देशों के साथ साझा किए अपने अनुभव। वुहान में एक अस्पताल के डॉक्टरों को 80 साल की उम्र के 64 कोरोना पीड़ितों का सफल इलाज किया है, जबकि 60 साल की उम्र में 545 कोरोना पीड़ितों को किया ठीक।
कोरोना के कहर से खौफजदा भूटान, सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को किया गया है बंद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।